बालाघाट में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 13। मोबाइल शॉप से 3 नकाबपोशों ने मारी सेंध, 40 मोबाइल और 3 लैपटॉप पर किया हाथ साफ। और तेज रफ्तार दौड़ रही 108 जननी एक्सप्रेस वाहन पलटी। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, फिर भी बालाघाट की सड़कों पर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने और मास्क पहनने के लिए लगातार जिला प्रशासन सड़क पर उतरकर चालानी कार्रवाई कर रहा है। कोरोना के आंकड़े बढ़ता देख प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहा है। इसी तरह 6 जनवरी को बालाघाट में कोरोना के 5 नए मरीज पॉजिटिव मिले। इनमें से नगरीय क्षेत्र बालाघाट के मोतीनगर का एक परिवार के 3 लोग जो मुंबई से आए हैं, एक मरीज दीनदयालपुरम की महिला है जो पुणे से आई है, एक मरीज समनापुर का है जो नागपुर से आया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 13 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। शहर में एक के बाद एक चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। बीते दिनों 3 नकाबपोशों ने गुजरी बाजार में ज्वेलर्स की शॉप पर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं एक बार फिर शहर के बीचों बीच कच्ची मोहल्ला में संचालित एक मोबाइल शॉप की दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रूपये के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिए, जिसकी जानकारी के बाद कोतवाली पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 नकाबपोश चोरों ने बीती रात करीब 3 बजे कच्ची मोहल्ला में संचालित सौराष्ट्र मोबाइल शॉप में सेंध मारकर 40 मोबाइल और लैपटॉप पर हाथ साफ करके लगभग 5 लाख रुपए के मशरूका की चोरी कर ली। लमता से बहिया रोड के सलंग टोला में तेज रफ्तार में परसवाड़ा जा रही 108 जननी एक्सप्रेस अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां घटना में ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए लामता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस चालक ने बताया है कि हम लोग मरीज को लेने कुमन गांव जा रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस का चेचिस टूटा होने के कारण पूर्व में किया गया वेल्डिंग टूट गया, जिस कारण यह हादसा हुआ। थाना किरनापुर से 200 मीटर दूर बन रही सीमेंट सड़क अवंतीबाई चौक से कावरे चौक तक सड़क कई महीनों से बन रही है। सड़क ठेकेदार राजाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बीच बीच में सड़क निर्माण छोड़कर कई महीने गायब हो जाते हैं। कुछ दिन पूर्व ही धान से भरा ट्रक अवंतीबाई चौक में पलट गया था, जिसमें ट्रक चालक और परिचालक बाल बाल बच गए थे। शाम का समय होने से कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई थी। ट्रक पलटा देख सड़क ठेकेदार पुनः रोड का काम चालू किया था और कुछ दिनों बाद फिर उसे वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन कल बिनोरा नदी के पुल के ऊपर एक स्कूली छात्र को ट्रक ने चक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई, जिसके कारण सड़क और तेज रफ्तार से चल रहे ट्रक ड्राइवर घटना का कारण बन रहे हैं। इस घटना को देख राजाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा आनन-फानन में अब कावरे चौक से लेकर अवंतीबाई चौक किरनापुर तक सीमेंट सड़क के आजू बाजू में गिट्टी डालने का काम चालू कर दिया गया है। राष्ट्रीय विचार मंच के तत्वाधान में राष्ट्रवादी चिंतक और प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का व्याख्यान कार्यक्रम 9 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल परिसर में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को राष्ट्रीय विचार मंच के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। उद्बोधन से लाभान्वित होना चाहता था, लेकिन हमारी अपनी मजबूरियों की वजह से हम उतनी सुविधा देने में असमर्थ है, क्योंकि स्थान भी जो है वो सीमित है और उसी सीमित स्थान पे ही हम कम संख्या को प्रवेश दे पाएंगे। जिला कबड्डी संघ के तत्वाधान में स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को 21 मैच खेले गए, जिसमें बालाघाट और हरदा के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक रहा। इसमें 2 पॉइंट से बालाघाट टीम ने हरदा को पराजित किया, जबकि अधिकांश मुकाबले एक तरफा रहे। इस प्रतियोगिता में 45 टीमों ने हिस्सा लिया और एक साथ 4 अलग अलग बनाए गए कबड्डी मैदान में खेला जा रहा है। प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार 9 जनवरी को खेला जाएगा। शनिवार से प्री क्वार्टर और क्वार्टर फाइनल मैच होंगे। मैच देखने बड़ी संख्या में खेल प्रेमी दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।